from the edge of the HP. Okay, dash. Front. In front, 12 mm. 12 mm पीछे भी नहीं पार, पार्किंग कर लिया. अब जो व्यूज दिया गया है उन व्यूज का पहले प्रोजेक्शन करो, क्योंकि वो व्यूज कहने का कहीं ना कहीं पर स्ट्रेट आए होंगे, बाद में हमने उसको रोटेट किया. जो हमारे फाइनल व्यूज बनते हैं इसी का प्रोजेक्शन गिरता है, उसको जब हम रोटेट करते हैं तब वो मेरा फाइनल व्यूज बनता है. तो पहले वो स्ट्रेट लाइन को पा जाते हैं, नीचे मेरा टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू रोटेट होगा, टॉप व्यू का रेजिस्टेंस कितना 65. यहां से आप 65 खींच लो बी. फ्रंट व्यू 50, वो मेरा यहीं पर रोटेट हो, इसका फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन यहां मिलेगा 50. तो ये 65 और 50 संपर्क में यहां पर होगा. डैश अभी ये टेंपरेरी नहीं है, ताकि समझने के लिए मेरा फ्रंट व्यू कोना टॉप व्यू को है. देन उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन आया होगा ये कहीं ना कहीं मेरा ट्रू लेंथ का प्रोजेक्शन जो वीपी से हो चुका होगा इसी का प्रोजेक्शन कहीं यहां पर गिरा होगा, तो उसका प्रोजेक्शन को भी नीचे लेके आया. और ट्रू लेंथ की जो वैल्यू है 75, वो 75 का मार्किंग इसी लाइन पे होगी, यहां से स्टार्ट होगी. तो 75 को राउटर पे मेजर करके यहां पर करके कट कर लीजिए. तो ये बन गया आपका वीपी से इंक्लिनेशन. जो हम बाकी क्वेश्चन में पहले बनाते थे, पहले हम इसको बना लेते थे, इसका प्रोजेक्शन यहां खींचते थे. अभी हमने इसको मान कर लिया, नीचे लिया ये, तो ये मेरा वीपी से इंक्लिनेशन 5. तो आप लोग मेजर करोगे. देन फ्रंट व्यू जो एचपी से इंक्लिनेशन हुआ होगा उसका प्रोजेक्शन यहां नीचे कहीं गिरा होगा. जो मैंने कहा वीपी से क्या, वही एचपी से किया. अब मुझे ट्रू लेंथ पता है 75, तो यहां से लेकर मेजर करके 75 में कहीं यहां पर कट कर दूंगा, तो मेरा एचपी से इंक्लिनेशन पता चल जाएगा. ये एंगल हो गया थीटा, तो मुझे दोनों ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल मिल चुका है. ये जो वैल्यू थे ये मेरे एक्चुअल जो मतलब जो दिख रहे थे ये टाइट होने के बाद, तो क्या करूं अब, नेमिंग कर दे. ये मेरा अगर अगर मैं यहां से नेमिंग करता था, अगर ये मेरा ए डैश है तो ये मेरा हो गया बी डैश, इसका प्रोजेक्शन यहां पर गिरा बी, और ये हो गया ए. ये एसपी का काम करता. अब वीपी पे आता हूं, तो वीपी पे मैंने इसको नाम दे दिया A2 या A1, इसको नाम दे दिया फिर B1. इसका प्रोजेक्शन यहां पर गिरा होगा तो B1 डैश, और ये फिर से बन गया मेरा A1 डैश. आप अपने उसके बाद आप उसको घुमा दो, ये यहां कितना गया रोकर, इसका रोकर यहां पर गया. इसका प्रोजेक्शन ये वाला मैं यहां पर आया, मतलब B1 घूमेगा तो आप उसको जब पकड़ के ऐसा रोटेट कर दो, यहां से उसको जोड़ दो, तो ये मेरा B1 है, डैश आ गया. और नीचे क्या रोटेट हो गया एक्टर B, तो आप इसको यहां से पकड़ो ऐसा रोटेट कर दो, ये हो गया आपका B. अब सारे चीजों में ही आपको एक्चुअल इंक्लिनेशन y डैश करिएगा अगर बोला हो तो. अब यहां से आप थीटा डैश पता कर लीजिए. देन आपको फिर मेजरमेंट कितना है, ये लेंथ और ये लेंथ का मेजर टू लेंथ 75, यहां से यहां तक का मेजर है 65. टॉप व्यू, ये मेरा टॉप व्यू है, एक्चुअल टॉप व्यू. फिर इसी तरह से